अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आया हूँ, मेरे कज़न की हवेली है उधर। ये मेरे कज़न ने एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म बनाया हुआ है, तो उधर आया हूँ। उसके को दो चार काम थे, तो उसकी हेल्प के लिए और उसकी हेल्प करेंगे। एक तो ये शीट लगानी थी, सर्दियाँ आ रही हैं मुर्गियों के लिए, ये लगाई है, सर्दी मुर्गियों को कम लगे। वो दो तीन और काम है, वो भी आपको दिखाते हैं। ये लहदा सेटअप तैयार किया न्यू, इसमें मुर्गियां या जानवर और किस्म के रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं हमारा विरासती पंखा। ये कायदे आजम ने गिफ्ट दिया था हमें, इससे हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। ये सारे इधर कमरे बने हुए हैं, ये एक सामने वो है उसके कोने में है, ये तीन बने हुए हैं छोटे, और एक इस साइड पे ये बना हुआ है। ये सारा मुर्गियों का सेटअप है, इसमें अलग अलग मुर्गियाँ रखते हैं अलग औकात में। ये तीन पिंजरे जो छोटे बने हुए हैं कमरे, ये हमने खुद बनाए थे, इसके दरवाजे हमने खुद बनाए थे। हाँ, आपको अंदर से दिखाते हैं। अंदर हमारा एक मेहनती लगा हुआ है, ये हमारे डॉक्टर साहब अंदर से सफाई कर रहे हैं। तो ये कुर्सियाँ हमने रखी हुई हैं मुर्गियों के लिए, कोई मुर्गी थक जाती है तो वो उसके ऊपर बैठ जाए। मुर्गियाँ रखी हुई हैं ब्लैक नस्ल की, ये नस्ल है या रंग ब्लैक है। तो ये 10 मुर्गियाँ लहदा नहीं मंगवाई हैं। तो ये जी डॉक्टर साहब इधर भी हमारे मेहनत कर रहे हैं। कमरा जी पहले डेयरी फार्म था, लेकिन वो डेयरी फार्म ख़त्म हो गया, तो वैसे ही फ़र्क था। तो पता नहीं, इधर मुर्गियाँ रखी हुई हैं। ये जो छोटा जो कमरा बना हुआ था, इसमें 10 जो नई मुर्गियाँ हैं वो इसमें रखनी है। तो इसका छत जो था वो कंप्लीट नहीं था, पानी अंदर जाता था, मुर्गियाँ बीमार होती थी। उसके लिए आज इसका छत सही कर रहे हैं, संडे मना रहे हैं कदन की हवेली में। ले जी, हमारा सीमेंट तैयार हो गया। अब हम इसे लेवल करेंगे, पानी का लेवल बनाएंगे, पानी ऊपर ना खड़ा हो, क्योंकि डेंगू का भी ख़तरा है। तो इसलिए पानी का लेवल करेंगे कि बारिश का पानी अगर हो तो वो नीचे उतर जाए। ये हमने छत इसकी तैयार कर ली है, फिलहाल एक ही किया, एक की ज़रूरत थी, तो बाकी अगर ज़रूरत होगी तो बाकी की छतें भी सही कर लेंगे। फिलहाल एक की की है, और ये अंदर इसके मिट्टी डालेंगे। फिलहाल इसमें चूना डाला हुआ है, फिर मिट्टी डाल।